नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफ़र स्टडी आई को में आपका स्वागत है। आज जो है आपको डायरेक्ट दिखाते हैं मोरावदी में क्या कुछ हुई। एक साथ जो है हजारों हजार स्टूडेंट्स अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में लगे हुए थे, चाहे वो पुलिस वाले हो, फिर जेटेट वाले स्टूडेंट्स अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जेटेट 2016 में जो पास हुए हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। फिर अगला हम बात करते हैं पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, उन लोग को बहुत बोनस पॉइंट मिल गया जब वो 12 अक्टूबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें। उसके बाद पंचायत सचिव के कुछ अभ्यर्थी जो है दुमका में हेमंत सोरेन से मिलने की कोशिश किए, क्या कुछ हुआ, सारी घटना का विश्लेषण आपको एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बता दोस्तों, सबसे पहले पुलिस वालों लोग का 7वें दिन तक जो है धरना प्रदर्शन जारी रहा 12 अक्टूबर को मोरावदी में मैदान में। इसके बाद जो है जेटेट पास वाले स्टूडेंट्स भी धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं और वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि जेटेट की सीधी नियुक्ति हो, सीधी बहाली हो, वो फ्री में पढ़ाने के तैयार हैं। इसके बाद जो है पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को लोगों को बोनस पॉइंट मिल गया, क्योंकि पहले से ही वहाँ अलग अलग समूह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। इसके साथ बहुत सारे मीडिया और जो है बहुत सारा सोशल मीडिया में कवरेज मिला पंचायत सचिव और दूसरे जो भी मांग धरना प्रदर्शन करें उन सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि धरना प्रदर्शन बहुत लंबी हो गई और जिसके कारण जो है अभी आपको पता होगा कि बेरमो और जो है दुमका में उपचुनाव भी है, जिसके कारण जो है मीडिया अटेंशन भी बड़ी मात्रा में मिल रही है और जो है विपक्ष भी इस जो है अवसर को भुनाना नहीं चाहेगा। इस कारण आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगी। तो आप लोगों को यही कहेंगे दोस्तों, आप लोग जो है अपना जो भी प्रक्रिया है, जो भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, इसको जारी रखें। आज बहुत ही आप लोगों को मीडिया अटेंशन मिला, सरकार तक बात पहुंच गई है। जिस तरह से सीता सोरेन जी ने ट्वीट किया है उन सभी को विश्लेषण अगर आपको बता दें तो सरकार तक पास पहुंच जा रही है और सरकार विवश हो जाएगी इन सभी चीज़ों को लेकर। और आपकी जो है जो भी मेरिट लिस्ट है, आपकी जो भी मांगे हैं आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। तो बस दोस्तों, आप देख सकते हैं फुटेज और आगे भी आपको दिखाते हैं, ये हुई मोरावदी मैदान में और आगे भी इस तरह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होती रहेगी 13 अक्टूबर को। जितने भी पंचायत सचिव और जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं आप लोग आइए, पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो, 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 हमारा रिजल्ट जारी करो, पंचायत सचिव रिजल्ट जारी करो। और कोई बोलना है आप लोगों को? ये जो सरकार का जो रवैया हम लोगों के साथ हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को हर बार आश्वासन दिया जाता है हर जगह, चाहे जैसे जाए, कार्मिक विभाग जाए, मतलब किसी नेता मंत्री के पास जाए, सभी जगह हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग का संज्ञान में है, पर कुछ भी आज तक नहीं हुआ। तो अब हम लोग का डिमांड यहाँ पे बैठ के यही है कि हम लोग को दिया जाए जल्दी से रिजल्ट, क्योंकि यहाँ तो जेपीएससी की नियुक्ति पूरी कर भी दी गई और हमारे साथ एकदम अन्याय हो रहा है। अब हम लोग के साथ बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग का सख्त मतलब आप खास अनुरोध है कि हम लोग को जल्दी से रिजल्ट निकाल के हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। नहीं करते हैं तो सरकार नहीं मानती, तो आप लोग आगे क्या करें?
हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे और गांधीवादी तरीके से जो भी कहा गया है कि हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठेंगे और इसी तरह से हम लोग हमेशा अपना जो भी वर्क है, हम लोग का कार्य है, वो हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, मेरा नाम सविता सिंह। सितंबर में हम लोग का जब जजमेंट आया हाईकोर्ट से, उसमें स्पष्ट पता चल गया इस बात का कि हम लोगों का बहाली में किसी तरह कोई स्टे लगा हुआ नहीं था, और उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर के जेएसएससी ऑफिस गए और वहां जाके जब हम लोगों ने हड़ताल किया और अपनी मांग को रखा, तो उन्होंने कहा कि आप इस मांग को लेकर के कार्मिक विभाग जाइए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ फाइल दिया है मगर वहाँ से किसी तरह का हमें रिपोर्ट नहीं आया है। हम लोग फिर कार्मिक विभाग जाते हैं, वहाँ जाने के बाद भी हमसे वही बात कहा जाता है कि जेएसएससी स्वतंत्र है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद स्वेच्छा से अपना फैसला ले सकती है, और इस तरह से करके अधिकारी लोग हमारे विज्ञप्ति के साथ खेल रहे हैं, हमारे बहाली को टाल मटोल करके किसी तरह से। हम लोग का बहाली की शुरुआत जो होती है वो 2017 की बहाली है, और उस बहाली को आज हुए हम लोग का लगभग 4 साल के आसपास बीतने को चला है, उसके बाद भी किसी तरह कोई सार्थक परिणाम हमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, जो नई सरकार अभी वर्तमान में आई है, यही सरकार हम लोगों से वादा की है कि ये आप लोगों की बहाली हम पूरी कराएंगे, जो अधूरी अटकी हुई है इस बहाली को हम पूरा प्रक्रिया कराएंगे, और उसी कारण से हम लोगों ने उन्हें वोट दिया और एक विश्वास से वोट दिया, और अभी विश्वास है कि वही सरकार हमारी बहाली हमारी नैया पार लगाएगी। हेमंत सोरेन करते युवा की सरकार है, चुनाव में भी वो यही बात दोहरा रहे हैं, क्या वो कहेगी चुनाव में लगे हुए कि आप लोगों पर ध्यान नहीं देगा? बिल्कुल, अगर वो हम लोगों पर नहीं ध्यान देंगे तो उपचुनाव में भी प्रभावित वो जरूर होंगे, क्योंकि युवा की सरकार है और युवा ही सरकार बनाता है, और आज युवा जब सड़क पे है तो वो युवा उसको वोट देने के लिए कैसे जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जब वो खुद खुश नहीं है, वो बेरोजगार है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ जुड़े पूरा परिवार है, और वो पूरा परिवार कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार लाएगा उनके लिए, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा सरकारी रहेगा, सरकार गिरने बनने में थोड़ा सा ये बड़ा चीज साबित हो सकता है। नाम मैं एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ बोकारो से। सरकार से मांग करती हूँ कि जल्दी से जल्दी पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी की जाए और जल्दी ज्वाइनिंग दिया जाए। जब सरकार नहीं आई थी ना यहाँ सत्ता पे, तब हम लोग को बोला गया था बुला के कि हम लोग को जिताई है, तो हम जल्दी से आप लोगों सबसे पहला काम हम लोग पंचायत सचिव का ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन इतना एक साल होने को है सरकार को, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। उसके बाद जब हम लोग ये जनवरी 4 जनवरी के टाइम हम लोग आंदोलन किए, तब हम लोग आश्वासन दी, वो जब गए सब मिलने के लिए तो बोले सरकार बोली कि हम फाइल मंगवा रहे हैं, आज ही रात को फाइल मंगवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा फाइल मंगवा रहे हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम मार्च का आंदोलन हुआ, उसमें सरकार लाठीचार्ज करके भूल गई कि हम लोग क्या मांग किए हैं कि हाँ इतना सारा स्टूडेंट को मार दिया। उसके बाद फिर आश्वासन देने के बाद फिर हम लोग का आंदोलन हुआ जेएसएससी ऑफिस में, वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि स्टे है, लेकिन जब कोर्ट मतलब फाइनल कर दी है कि अब स्टे नहीं है, तो अब रिजल्ट बोल दिए कि सरकार रिजल्ट दे सकती है, नियुक्ति करा सकती है, फिर भी सरकार बोल रही है नहीं अभी ये है वो है, हर जगह से आश्वासन मिल रहा है, 1 सप्ताह बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, और कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग को यहाँ फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना पर, आखिर हम लोग क्या करें, कितना भाड़ा खर्चा करके आएंगे, हम लोग कहाँ पाएंगे उतना पैसा, गरीब घर से है तो स्टूडेंट से। आप लोग आइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना जो है अगर भीड़ नहीं रहेगा तो वो लोग भी उम्मीद खो देंगे और आप लोगों को निराशा ही निराशा लगेगी। वो लोग अभी जगे हुए हैं तो आप लोग भी उनका साथ दीजिए, आइए मोरहाबादी मैदान।